क्या आदेश गुप्ता जी, आप एक वोटर के तौर पर सर यहाँ पर पहुँचे हैं, वोटर के तौर पर क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी इस चुनाव से? भारतीय जनता पार्टी बहुत आशा भरी नजरों से इस चुनाव को देख रही है, और जिस तरह से चुनाव पूरे चुनाव कैंपेन में दिल्ली की जनता का जो प्यार आशीर्वाद समर्थन मिला है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चौथी बार हम निगम में चुनाव में जीतने वाले हैं। और मुझे जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो 8 साल का इतिहास रहा है, वो दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने लगातार धोखा दिया है। लेकिन सर, जिस तरीके से आप पार्षद भी हैं और साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में जिम्मेदारी दोहरी है आपके ऊपर, क्या लगता है, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे या फिर चुनौती है? देखिए, पूरा सतरंगी जो आसमान है वो बीजेपी की ओर है, और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को, दोहरे चेहरे को पहचान गई है कि कहते हैं ईमानदार हैं और भ्रष्टाचारी वो सरकार बने हुए। सर, तैयारी पूरी है क्या? कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का वीडियो हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया के हैंडसेट बदलने का मामला हो, क्या कहेंगे? तो आप देखिए, साफ तौर पर आदेश गुप्ता को सुन रहे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोला और ये कहा कि सतरंगी फ्लाइंग कलर्स के साथ बीजेपी पास होगी और अब की बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर एमसीडी के काबिज होगी। लेकिन अमित पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ कलर्स वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो आस्था है, अलग अलग तस्वीरें हमने देखी। कुछ लोग नाश्ता करने से पहले वोट देकर आए।